देखिए, जब से हम लोग 2002 से हिंदू वाहिनी का काम कर रहे थे तो सीमा पर लेकर के हिंदू वाहिनी हमेशा सक्रिय रही, जिसके कारण अवैध मस्जिद मदरसे रुके भी हुए थे। अभी कुछ दिनों पहले पता लगा कि नेपाल के अंदर से कुछ चैनलों के माध्यम से ISI और आतंकवादी संगठनों के लोगों के द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी के विरोध में प्रचार करके माहौल को दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि आज पूरे देश में राष्ट्रवाद का भाव, हिंदुत्व का भाव का एक ज्वार चल रहा है, बयार चल रही है। ऐसे में हिंदू वाहिनी ने सोचा कि हम लोग पुनः उस गतिविधि को, अपने राष्ट्रवादी गतिविधि को संचालित करते रहे, जनता में जागरूकता पैदा करते रहे। आपने देखा, जनता बहुत प्रसन्न है आज मोदी और योगी जी के नेतृत्व में। इसीलिए यह अभियान भारत नेपाल सीमा क्षेत्र का, यहाँ से अलीगढ़वा, खुलवा, कुटिया और बढ़नी तक का पूरे दिन का हम लोगों का यह कार्यक्रम है। और जागरूकता इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जगाना पड़ता है आम जनता। भारत नेपाल सीमा क्षेत्र की जनता किसी सैनिक से कम नहीं है, चूंकि सीमा की सुरक्षा सिर्फ इस जिले से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, प्रदेश से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसीलिए इस गंभीर विषय पे हम लोगों ने आज तय किया कि हिंदू वाहिनी के बैनर तले हम लोग पूरा सीमा क्षेत्र का भ्रमण करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। संदेश देना हम ये चाह रहे हैं कि केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी, राष्ट्र की सुरक्षा, जन की सुरक्षा इनके अंदर ये बसा हुआ है, उसी के तहत ये कार्य कर रहे हैं। और आज जो अन्य दलों के लोग नेपाल में बैठ करके उन आतंकवादियों के साथ मिलकर राष्ट्र विरोधी कार्य में संलिप्त अपनी दे रहे हैं, ये हम लोग इसको चलने नहीं देंगे, क्योंकि परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने हिंदू वाहिनी संगठन 2002 में खड़ा कराया माननीय राघवेंद्र प्रताप सिंह जी प्रभारी के नेतृत्व में, और उसी के तहत आज हम लोग उन गतिविधियों को नेस्त नाबूद करने के लिए सीमा पर निरंतर अपनी निगरानी रख रहे हैं।